का टॉपिक है फ्लावर ऑन फिश व्हाइट कुक क्यों कहती है। आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। फ्लावर ऑन फिश इसलिए व्हाइट कुक कहती है क्योंकि फर्स्ट रीजन से पेट के अंदर बॉम्ब्स हो जाते हैं, तो इस चक्कर में ये व्हाइट कुक करने लगती है। दूसरा रीजन से इसको ओवर फीड करवा देंगे तो जब भी ये व्हाइट कुक करने लग जाएगी। रीजन से आपका पानी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, जो आपको इसको 28 डिग्री से 30 डिग्री तक रखना है। आप पानी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपकी फ्लावर ऑन का हेड भी डाउन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी उसके अंदर, और उसके ऊपर इस चक्कर में इसके ऊपर फंगस भी लग सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले हीटर लगाना है। हीटर को 28 डिग्री पर रखना है। जो आपका एक्वेरियम का पानी है उसको आपको 25% कम से कम 2 डेज के अंदर चेंज करना है। मैं आपको बताता हूँ आपको आपकी फ्लावर ऑन को कैसे ट्रीटमेंट करना है जिससे आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिख जाए। पहले आपको जाना है मेडिकल शॉप, उधर आपको मिल जाएगी मेट्रोजीन 400 जिसका प्राइस है 1 रुपीज। यह आपको पंकी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। तो आपको इसको खिलाना कैसे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको आधी तोड़ लिए, सबसे पहले एक छोटा चम्मच लेना है, इसके अंदर ये आधी मेडिसिन तोड़ के थोड़ा सा वाटर डाल के घोल के इसके अंदर आपको फ्लावर ऑन को बाहर निकाल के पिला के 5 सेकेंड होल्ड कर दें। फ्लावर ऑन को उसका पानी के अंदर वापस रिलीज कर दें उसको, फिर उसके सेकेंड डेज की वीडियो आप देख ही रहे हैं कितनी हेल्थी और वापस से फुल एक्टिव और वापस इसका हेड मेट वापस ग्रोथ हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।